उसमें लायन रहते है ना, और बहुत सारा आपको क्या क्या दिखेगा, मंकी दिखेगा, द मंकीज ऑन द ट्री, मंकी ट्री में रहता है। और फिश कहाँ पर रहते हैं बेटा, पानी में रहते हैं, वॉटर में। एंड लायन कहाँ पर रहता है, केज में। बट इन दिस ये फनी फनी जू है, एक डिफरेंट टाइप का जू है। नेहा इज इन द जू। आप लोगों को मैं बताई थी ना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, मैंने वो सॉल्व कराया था ना बेटा, वैसे फोनेटिक साउंड से सबसे पहले आपको रीडिंग करना आना चाहिए। न न नेहा इज इन द जू, जू नेहा इज इन द जू। नेहा कहाँ गई थी, जू में। ओ डियर सेज नेहा, द बॉय, द ब ब है ना, ये क्या है, बॉय, बी ओ वाई, बॉय, द बॉय इज ऑन द ट्री। यहाँ तो उल्टा है, बॉय ट्री पर है, जबकि ट्री पे कौन रहता है, मंकी रहता है। बट यहाँ इस फनी ज़ू में क्या है, द बॉय इज ऑन द ट्री। द बी बी ओ एन क्या होगा बेटा, ऑन द बाइसाइकल। और बियर कहाँ पर है, बाइसाइकल में। कभी देखे हो क्या, बियर कभी बाइसाइकल में होता है क्या, बट यहाँ पर फनी ज़ू में बियर कहाँ है, बाइसाइकल में है। द गर्ल इज ऑन द बर्ड, वहां देखना, तुम लोगों को मैं एक पिक्चर भेजूंगी, उस पिक्चर में पता है गर्ल किस पे बैठी हुई है, बर्ड पे। कभी ऐसा होता है गर्ल, क्या तुम बर्ड पे, चिड़िया पे बैठ के उड़ सकते हो क्या, नहीं ना। बट ये क्या है, फनी फनी ज़ू, द गर्ल इज ऑन द बर्ड, द पिग इज इन द कार। पिग भी कार में है, फोर व्हीलर में कौन है, पिग, पिग कभी कार में हो सकता है, बट द फनी फनी ज़ू। द गोट इज ऑन द स्टूल, गोट किस पे है, किसके ऊपर है, स्टूल में। द लायन इज इन द वॉटर, द लायन इज इन द वॉटर, पानी में कभी लायन रहता है, बट इसमें है। द फिश इज इन द केज, और मछली कहाँ पर है, मछली को वॉटर में रहना था ना, बट मछली कहाँ पर है, केज में है। दिस टाइप का ये एक फनी ज़ू है। नेहा इज हैप्पी टू सी द ज़ू, नेहा बहुत खुश थी इस टाइप के फनी ज़ू को देखकर। सो लेट्स स्टार्ट, आपको यू हैव टू रीड दिस एट लीस्ट 3 टाइम्स, ओके। नेहा इज इन द ज़ू, ओ डियर सेज नेहा, द बॉय इज ऑन द ट्री, द बियर इज ऑन द बाइसाइकल, द गर्ल इज ऑन द बर्ड, द पिग इज इन द car, the boat is on the stool, the lion is in the water, the fish is in the cave, Neha is happy to see the zoo. According to this, na, is paragraph ke accordingly, you have to write the names of 4 animals you find in this lesson. इस lesson में आपको you have to find out the names of 4 animals. कोई भी 4 animals का आपको नाम find out करना है, and you have to write here. For example, here the bear is on the bicycle. You have to write the bear here. Here the pig is there. Goat, lion. Now some name of the animals are there. You have to write it over here. This is your homework number 1. Now this, mark right for the correct statement. Mark right for the correct statement and cross for the wrong statement. जो statement right रहेगा उसमें आपको right लगाना है, और जो statement wrong रहेगा उसमें आपको cross करना है. On the basis of this, Neha is in the park. बताओ तो बेटा इस story में क्या, Neha कहाँ पर थी, park में है क्या Neha? Neha park में नहीं है, Neha कहाँ पर है, where is Neha? Neha is in the zoo. So this is your wrong. It means you will क्या करोगे तुम यहाँ पर, cross करोगे, है ना? अच्छा, what is your next line, next statement? The next statement is the boy is on the tree. Boy कहाँ पर है, tree पे. यहाँ पर you have to find out where is the boy. Yeah, see in this line.
द पिग इज इन द कार, लेकिन यहाँ क्या लिखा है द पिग इज ऑन द स्टूल। आपके आपके इस पैराग्राफ में क्या है, पिग कहाँ पर था, कार में, और मींस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यू विल पुट अ क्रॉस ओवर हियर। द गोट इज ऑन द बाइसाइकल, बट हियर द गोट इज ऑन द स्टूल। आपका ये स्टेटमेंट राइट है क्या बेटा, यहाँ पर बोर्ड दिया है कि बाइसाइकल के ऊपर बैठा, और यहाँ क्या दिया, अकॉर्डिंग टू दिस द गोट इज ऑन द स्टूल, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द बियर इज इन द केज, द बियर इज इन द केज यहाँ दिया है, बट अकॉर्डिंग टू दिस द बियर इज ऑन द बाइसाइकल, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेहा इज हैप्पी टू सी द जू, हाँ नेहा तो हैप्पी थी, नेहा इज हैप्पी टू सी द जू, यू हैव टू टिक हियर हियर। ओके नाउ आपको अगेन इन शॉर्ट यू हैव टू रीड दिस अ फनी फनी जू, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द फोर एनिमल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ यू हैव टू टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। If you are writing, if it is the right statement, you have to put a right sign over here. If it is a wrong statement, you have to put a cross over here. Got it, children? And another thing, say E as in speech. वो मैं आपको एक song सिखाई थी ना, A for apple, उसे से आपको सीखना है। B for ball, B for bat, B B B B B B, similarly B double E E क्या होगा, B बोलो, B double E B, similarly S double E C, similarly T R double E tree, F R double E free, B C free tree free, है ना बेटा, similarly P double E L P P P double E L feel, F F है ना feel, X क्या होता है, H H X for F F he, W H double E L wheel। आपको phonetic sound मैंने आपको first class में समझाया था ना, B S F T P F H W, similarly ये देखो M M M for M, meet, M double E T, meet, F double E T, feet, B B B for B B, B double E T, T T B, meet, feet, feet, S S sweet। आपको ये phonetic sound आपको आना चाहिए, P B C S F F, got it children? You have to this is your English class for today. Thank you, children.